अगेन वी डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ डीएनए स्ट्रक्चर. सो एक्चुअल में डीएनए की स्ट्रक्चर है क्या, इसमें डीएनए स्ट्रक्चर में अपन ये देखेंगे कि कैसे डीएनए में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसे उन्हें आपस में कौन कौन सी लिंकेज है, उसी के साथ ये डीएनए किस फॉर्म में नाइट्रोजन बेस उसमें अरेंज है, प्लस शुगर कहाँ प्रेजेंट है, फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट है. उसी के साथ ही अपन जो स्टडी करेंगे कि डीएनए स्ट्रक्चर दी किसने और उसमें किस अकॉर्डिंग उसको एक्चुअल में देखा गया है, उसको ऑब्जर्व किया गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए स्ट्रक्चर. सो डीएनए के बेटे जो अपने पास स्ट्रक्चर है जिसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं, इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. डबल हेलिक्स का रीजन क्या है, वन हेलिक्स ये हुआ, सेकेंड हेलिक्स ये हुआ. टू हेलिक्स होने के रीजन से अपन मेंशन करते हैं डबल हेलिक्स, जहां वन साइड फाइव एंड सेकेंड साइड थ्री एंड, थ्री एंड फाइव एंड. ये अगर फाइव एंड के ऑप्शंस में थ्री एंड आएगा, थ्री एंड के डायरेक्ट डाउन साइड क्या आएगा अपने पास, फाइव एंड आएगा. प्लस अपन इसमें याद रखें जो प्यूरीन है और प्रीमिडिन है वो आपस में किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही अटैच्ड रहेंगे. यानी कि इनके मिडल का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. लाइक अपन यहाँ मेंशन किया ए इज इक्वल टू टी. सो अपन यहाँ मेंशन कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्यूरीन अपने पास कौन से हैं, एडेनिन है प्यूरीन के अंदर और एक है अपने पास गुआनिन. ये टू टाइप्स के अपने पास क्या है, प्यूरीन है. अगर अपन बात करते हैं प्रीमिडिन्स क्या है, सो प्रीमिडिन्स भी अपने पास टू टाइप्स के हैं. कौन कौन से हैं, साइटोसिन है एक और एक अपने पास थायमिन है. अगर अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में डीएनए में प्यूरीन और प्रीमिडिन्स इन दोनों के लिए वर्ड क्या है, तो इन दोनों को अपन कहते हैं नाइट्रोजन बेसिस. सो ये अपने नाइट्रोजन बेस होते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट में एन बेसिस भी कहते हैं अपन. प्लस अब अपन बात करेंगे इसमें कैसी शुगर प्रेजेंट है. सो इसमें जो शुगर प्रेजेंट है वो शुगर है डीऑक्सीराइबोज. जो एक्चुअल में कैसी शुगर है, जो एक्चुअल में शुगर है अपने पास पेंटोज शुगर है. सो यहाँ जो अपने पास शुगर है वो शुगर कैसी है, डीऑक्सीराइबोज है. जो एक्चुअल में किस टाइप की शुगर है, ये एक्चुअल में शुगर है पेंटोज शुगर है. प्लस अब अपन बात करेंगे ए इज इक्वल टू टू. यहाँ पे ए इज इक्वल टू टी के अंदर दोनों आपस में यहाँ पे जो टू लाइंस हैं, ये टू लाइंस मतलब किसके लिए, डबल बॉन्ड है ये. और यही डबल बॉन्ड किस कौन सा है, नेचर इसका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नेचर का है. प्लस सी अगेन आ गया जी के साथ, देन अगेन टी इज इक्वल टू ए, देन जी इज इक्वल टू सी. इस फॉर्म में इसमें पूरे कितने होंगे, उसने कहा कि वन हेलिक्स है तो वन हेलिक्स में 10 नाइट्रोजन बेस आएंगे. अब बात की इस फॉर्म में अपन पूरे इसमें 10 फिल करेंगे, 10 फिल करने के बाद इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम है. लेकिन इन दोनों नाइट्रोजन बेस के मिडल का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम. ए पर जो अपन राउंडेड सर्किल में बना रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, एंगस्ट्रॉम है, जो कि इनके हेलिक्स या डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है. अब अपन बात करते हैं कि इसमें किस किस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है. तो यहाँ अपने पास बात आ रही है कि शुगर के लिए अपने पास जो बॉन्ड है शुगर और फॉस्फेट, एक बॉन्ड अपने पास इन दोनों के मिडल प्रेजेंट है. सो शुगर एंड फॉस्फेट की जो मिडल का बॉन्ड है जिसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और यही जो बॉन्ड होते हैं ये क्या करते हैं, डीएनए के बैक बोन का भी वर्क करते हैं. और फॉस्फेट और फॉस्फेट के मिडल का जो बॉन्ड होगा जिसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो इस फॉर्म में डीएनए की स्ट्रक्चर्स के लिए अपने पास पॉइंट्स हुए. प्लस इसी में जो नेक्स्ट अपन पॉइंट मेंशन करेंगे वो पॉइंट अपन डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या मेंशन करेंगे, डिस्टेंस का. अब बात आती है इनका डायमीटर क्या है. ये जो इनका डायमीटर होगा ये होगा 20 एंगस्ट्रॉम होगा. अब इसे डायमीटर के बाद में अपन बात करते हैं इसमें क्या प्रेजेंट है. इसमें प्रेजेंट है एंटी पोलैरिटी. सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. और गिवन बाय जो दिया किसने था, इस स्ट्रक्चर को दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. तो बेटा ये जो अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ कि एक्चुअल में डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है. अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना स्मॉल टॉपिक है, दैट इज अ सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी. कि सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी क्या है, तो सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी के लिए अपन ने मेंशन किया
कि जब डीएनए से डीएनए बनेगा देन वी आर यूजिंग द वर्ड रेप्लिकेशन. सो वहां अपन क्या मेंशन करेंगे, डीएनए से डीएनए बनना क्या है, रेप्लिकेशन है. बट जब डीएनए से क्या बनेगा अपने पास, एमआरएनए बनेगा, देन वी आर मेंशन द वर्ड इज अ ट्रांसक्रिप्शन. ओके, बट अगर एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तब अपन जो वर्ड मेंशन करेंगे वो कौन सा होगा, ट्रांसलेशन. सो ये अपने पास क्या था, सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी. बट इस थ्योरी को गिवन बाय किसने, इस थ्योरी को दिया, सो इस थ्योरी को दिया था फ्रांसिस क्रिक ने. ओके, अब इसी के साथ इसी से रिलेटेड एक टर्म है, वो कौन सा है अपने पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स का मतलब किसके लिए है, रिवर्स का मतलब है उल्टा हो जाना, यानी कि अपोजिट हो जाना. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो गिवन बाय किसने दिया इसको, गिवन बाय बीडल एंड टेटम ने. सो बीडल एंड टेटम ने दिया. और इसी का जो सेकेंड नेम है वो कौन सा है, इसी थ्योरी का जो सेकेंड नेम है वो है टेमिनिज्म. अब अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में इसमें होगा क्या. सो अगर अपन बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, जहां डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, वहां एमआरएनए ना बनके एमआरएनए क्या बना देगा, डीएनए. सो इसको अपन राइट कर देंगे आरटी. आर किसके लिए, रिवर्स के लिए, और टी किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए. तो ये कैसा ट्रांसक्रिप्शन हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें एमआरएनए से क्या बनेगा, डीएनए. ओके, थैंक यू.